तो इमेजरी या इमेजेस जो है वो लगभग एक ही बात होती है, एक ही चीज़ होती है इसमें पोइम में। एक पोइटिक डिवाइस है। इमेज का मतलब होता है तस्वुरी शक्लें, यानी अपने मन में अपनी आँखों में कुछ शक्लें बनाना, कुछ इमेजेस बनाना, कुछ पिक्चर्स बनाना। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसने जो है अपनी इमेजरी में, अपनी सेंसेस में कुछ इमेजेस बनाई है। किसकी बनाई है? अपनी माँ की। अभी इमेजेस जो है इसने आँखों से देखने वाली भी बनाई है, कानों से सुनने वाली भी बनाई है, और सूंघने वाली भी बनाई है। तीन किस्म की इमेजेस बनाई है। एक जगह पे लगता है कि इसको माँ जो है वो लोरी सुना रही है, दूसरी जगह पे इसको ऐसा लग रहा है जैसे माँ इसकी जो है वो पूजा के लिए फूल उठा रही है, तीसरी जगह पे इसको लग रहा है कि इसकी माँ जो है वो आसमान से इसको देख रही है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द विजुअल एंड ओरल इमेजेस। दो किस्म की इमेजेस जो इस पोएम में दिखाई गई है, एक विजुअल जो देखने वाली है और ओरल जो सुनने वाली है, वो दोनों इमेजेस हमें इस पोएम में जो दिखी वो कौन कौन सी है। द विजुअल इमेजेस, विजुअल इमेज आपको पता है कौन कौन सी है? अगर जैसे ही शुली फ्लावर्स की बात करते हैं तो हमारे सामने वो सफ़ेद फूल आ जाते हैं जो हवा में घूमते रहते हैं हवा हवा से। दूसरा हमारे सामने आता है द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आसमान का वो नीलापन। और तीसरा मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल। और जैसे ही ये मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल की बात करें तो हमें वो घंटी की आवाज़ या पूजा की जो आवाज़ें हैं वो आ जाती है। ओरल इमेज जो है, साउंड जो है वो क्या है? साउंड में ये देख रहा है कि इसकी माँ जो है इसके खिलौनों के ऊपर जैसे कहीं पे एक जगह पे टिक के कुछ गा रही है और उड़ के आ गई है और वहीं पे खड़ी है, वहीं पे रुक गई है इसके खिलौनों के पास। दूसरा क्वेश्चन है इसका पार्ट है द पॉइंट पॉइम डज नॉट हैव ए राइम स्कीम। इस पॉइम में कोई राइम स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी है। डिड यू एन्जॉय द पॉइम? इफ़ येस, वाई? इस पॉइम में ना कोई राइमिंग स्कीम है, ना कोई फिक्स लेंथ है, तो क्या फिर भी आपको ये पॉइम अच्छी लगी, और अगर लगी तो क्यों? देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पॉइम। इस पॉइम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द लेंथ ऑफ द लाइन्स इन द पॉइम इज़ ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म। इसमें कोई भी वो सिमिट्री भी नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी वी एन्जॉय द पॉइम। हमें पॉइम अच्छी लगी, क्यों? एज द पॉइट हैज़ यूज सम स्पेशल टेक्निक्स टू बेस्ट द टाइट स्टाइल ऑफ द पॉइम। इसने ये हमें अच्छी क्यों लगी? क्योंकि इस पॉइम में इस पॉइट ने, क्योंकि ये पॉइट जो था एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली क्या कहते हैं इसको, हम नो हाउ वाला पॉइट था। इसको टेक्निक्स का पता था, इसमें वो क्वालिटीज़ थी कि अपने पोएम में निखार लाता था, पोइट्री में निखार लाता था, और वही निखार इसने अपने पोइट्री में लाई है कुछ टेक्निक से। कैसे? ही हैज़ यूज द टूल ऑफ रिफ्रेन इन द पोएम। इसने इस पोएम में एक लाइन जो है तीनों स्टेंजाज में बार बार इस्तेमाल की है, और कैन नॉट वर्ड लगाया है। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। ये कैन नॉट जो है इंसान को, क्योंकि मदर की बात है, तो जब अगर कोई अनजान इंसान पढ़ेगा तो लेकिन आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, तो हम सोच सकते हैं कि हाय कैसा बच्चा होगा जिसको अपनी माँ याद नहीं है। इट इज़ क्वाइट इमेजिनेटिव एंड अराउजेज द फीलिंग ऑफ पिटी इन अस। और हम जब ये पोइम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी इमेजेस हमारे पास सामने आती हैं, हमारी आँखों के सामने आती हैं, बहुत सारी बातों को हम सोचने लगते हैं, और हमारे मन में भी तरस आ जाता है इस बच्चे पर कि हाँ इसकी माँ नहीं है और ये अपनी माँ को कितना याद करता है। द पॉइंट हैज़ ऑल्सो यूज सम ब्यूटिफुल इमेजेस। इसमें इस पॉइंट ने बहुत सारे इमेजेस का, खूबसूरत इमेजेस का इस्तेमाल भी किया है, जिससे ये पॉइंट जो है, पॉइम जो है बहुत ही पढ़ने लायक बन गई है। इसको पढ़ते पढ़ते हम एंजॉय करते हैं, हमें अच्छी लगती है ये पॉइम। आज ही ख़त्म हो गया बच्चे, कल हम देखते हैं। कल मैं आपको ग्रामर वर्क करवाऊंगी थोड़ा सा, और उसके साथ हम रीडिंग करेंगे शॉर्ट स्टोरी की या प्ले की। ओके बेटा, आदाब।